एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था, पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा, मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए, मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी, ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है, रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी, कल से मैं ज्यादा बिरयानी बना कर लाऊंगी। कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया। पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है, अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ, आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं। हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें, अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। जादुई गाय। एक ग्वाला था मोहन, उसके पास एक गाय थी। सारा दिन मोहन अपनी गाय के साथ रहता, उसका दूध बेचता और अपना घर चलाता। मोहन का एक छोटा भाई था जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मोहन भाई, मुझे शहर जाकर और पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कुछ दिन आराम करो, फिर शहर जाकर तुम्हारा दाखिला करवा दूंगा। ठीक है भाई। मोहन ने अपने भाई को शहर जाने से इसलिए रोका क्योंकि मोहन के पास पैसे नहीं थे। बेचारा मोहन तो बड़ी मुश्किल से घर चला रहा था। तभी मोहन के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं अपनी गाय बेचूं तो इससे पैसे। हैदराबाद